नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं अड़ी। भारत के दो दिग्गज पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगट के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद से सियासी पारा पूरे देश में हाई हो गया है। कल दोनों पहलवान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और शाम को विनेश को जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। जुलाना में विनेश का ससुराल भी पड़ता है। उधर बजरंग पुनिया अभी चुनावी राजनीति में नहीं उतरे हैं, उन्हें अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये ज्वाइनिंग भले ही कल हुई हो, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि उसके राजनीतिक आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा रहे हैं। जंतर मंतर के आंदोलन से लेकर कांग्रेस में शामिल होने तक जो कुछ हुआ उसे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अब प्लांटेड बताया है और खुद को पाक साफ बताने की भी कोशिश कर दी। राजनीति के लिए इन्होंने बेटियों का इस्तेमाल किया, बेटियों को बदनाम किया, विशेष करके महिला खिलाड़ियों के सम्मान को ठेस पहुंचाया और ये बेटियों के सम्मान के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये राजनीति के लिए लड़ रहे थे। इनकी स्क्रिप्ट, पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस के द्वारा लिखी जा चुकी थी और इन्होंने बेटियों को बदनाम कर दिया। महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस करती, महिला खिलाड़ी पहलवान अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रही, तो हम समाज में एक प्रतिष्ठित राजनीतिक दल हैं, क्या हम वो आवाज सुनेंगे नहीं? क्या हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे? इसमें भी भाजपा को आपत्ति है। हम जिसके साथ गलत होगा उसके साथ खड़े रहेंगे, गर्व से खड़े रहेंगे, ऊंची आवाज में उनका समर्थन करेंगे। आप खड़े रहिए बलात्कारियों के साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो कुछ सारा घटित हुआ है उससे तो यही लगता है कि ये सब कुछ कांग्रेस का प्लांटेड था और कांग्रेस ही बैक कर रही थी। कांग्रेस खिलाड़ियों की आड़ में राजनीति कर रही थी, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। आप राजनीति करिए, राजनीति और खेल को मिक्स मत करिए। मैं जब वो सड़कों पे घसीटी जा रही थी, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, उसे हर तरह तोड़ने की कोशिश हो रही थी, तब तो भाजपा उसके साथ खड़ी नहीं हुई। उसने तो बुलाया, साफ साफ कहा है, उसके दुख और मुसीबत में लोग नहीं खड़े हुए। तो जो लोग दुख मुसीबत में खड़े हुए वहां नहीं जाए तो कहां सहारा ढूंढे। 18 जनवरी 2023 को भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर 6 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। आंदोलन की अगुवाई विनेश फोगट कर रही थी, जो यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांग रहे थे। विनेश के समर्थन में बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक जैसे दिग्गज पहलवान भी सामने आ गए। तब बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया था और इसका असर ये हुआ कि उनकी पहले तो कुर्सी गई और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें टिकट भी नहीं दिया। कल जब विनेश फोगट ने कांग्रेस ज्वाइन की तो उनकी चॉइस पर सवाल उठने लगे। सबसे पहले तो बृजभूषण शरण सिंह ने ही सवाल उठाए। अब उनको छोड़ के बीजेपी के बाकी नेता पहलवानों पर तो सीधा हमला करने से बचते हुए दिखे, लेकिन उन्होंने ये जरूर पूछा कि क्या आप विनेश उन महिलाओं के लिए भी बोलेंगी जिन्हें कांग्रेस के अंदर रह के समस्याओं का सामना करना पड़ा। जिस तरह का संघर्ष उन्होंने महिला पहलवानों के हक के लिए किया, क्या बाकी महिलाओं के हक के लिए भी उसी तरीके से कांग्रेस के अंदर वो आवाज उठाएंगी? जवाब में विनेश और बजरंग ने बताया कि उन्होंने बीजेपी की महिला सांसदों से भी काफी महीनों तक मदद मांगी थी, पर जब कोई उनके साथ नहीं आया तो आखिरकार उन्हें कांग्रेस का साथ लेना पड़ा। उस वक्त के प्रदर्शन को राजनीति से जोड़ के देखना सही नहीं। बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। उन वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा ये। बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पर लेटर दिया था
वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। कौड़ी में आज के सीधे सवाल हैं, क्या बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन पहले से ही पॉलिटिकल था? क्या विनेश के आरोपों को सिर्फ इसलिए खारिज कर देना सही है क्योंकि अब वो कांग्रेस में शामिल हो गई हैं? और क्या अब विनेश पार्टी के अंदर भी महिलाओं के मुद्दे वैसे ही उठाएंगी जैसे पहले सड़कों पर उठाती थी? हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार है, रमन मलिक प्रवक्ता है बीजेपी के, डॉक्टर टीना करमवीर प्रवक्ता कांग्रेस की और राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। रमन मलिक जी, सबसे पहले ये बताइए कि कांग्रेस में विनेश फोगट गई, उससे बृजभूषण शरण सिंह निर्दोष कैसे हो गए? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह और विनेश फोगाट या मिस्टर पुनिया, इनके जो विषय हैं, अब ये दो तीन पॉलिटिकल फिगर्स के आपसी मामले हैं, ये पॉलिटिकल कमेंट्री है। अब ये कोई देश की बेटी और देश का बेटे और देश का ये देश का वो का बात नहीं है। अब ये पॉलिटिकल सामने है, सबके पॉलिटिकल बात है, वो पॉलिटिकल बात पॉलिटिकल तरीके से जो कंसर्न लोग हैं वो करेंगे आपस की। आरोप प्रत्यारोप है ना। हाँ, पर नेता तो वो आप बने हैं ना।